ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज के विशेष अवसर पर वेबिनार के माध्यम से हम सब इकट्ठे आए हैं, विशेष तौर पर विवेकानंद केंद्र फाउंडेशन का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमें सबको इकट्ठा किया है। मेरे मित्र सूर्य प्रकाश जी, उम्र में छोटे लेकिन ज्ञान में बड़े मित्र गुरुमूर्ति जी, अन्य सभी विशिष्ट महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज बात चली है जो घटना 45 साल पहले हुई, 1975 में हुई, लेकिन ऐसी वो कौन सी बात है इस कारण आज भी हम इसकी चर्चा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। तब समझ में आता है कि अभी ये सारा विषय आउट ऑफ डेट नहीं हुआ है। अभी समझ में आता है, जैसे अभी पिछले दिनों हम सबको ध्यान में होगा, लॉकडाउन के समय में ही बैठेंगे तो जहां जाना चाहिए सब जरा अपने म्यूट कर ले प्लीज, सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर ले या स्पीकर के अलावा। लॉकडाउन में, लॉकडाउन में थाली बजाने की बात आई, लाइट्स ऑफ करके कैंडल जलाने की बात आई, ये सब अभी की ये नवाचार कुछ नहीं है। ये सब गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन में हुआ। ऐसे नए नए प्रयोग जनमत को संगठित करने, जनमत को इन्फ्लुएंस करने के लिए मास मूवमेंट्स में अपनाए जाते हैं, वो आज भी है, अभी भी आप देखेंगे। तो वही स्पिरिट, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, कैंपस में सुनाई पड़ जाता है, ट्रेड यूनियंस के उसमें सुनाई पड़ता है, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये सब मानो एक तरह से कालजयी बातें हैं, इस कारण इनका महत्व है। वैसी कालजयी बात जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कविता बार बार उल्लेख में ली जाती है, परिवर्तन के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ये सब इस बात के इंडिकेशंस हैं, ये अभी भी अपनी साख रखती है बातें। 45 साल हो गया हो तो क्या। अब इस 45 में एक और बात है, एक मास मूवमेंट का चरित्र का रहा है। कैडर मूवमेंट और मास मूवमेंट पे फर्क यही होता है, इसमें लोग स्वयं स्फूर्त ही आयम ऑर्गेनाइज अपने को करते चलते हैं, जैसे इमरजेंसी के दिनों में भी हुआ, जनता सरकार के नाते गांव में लोग इकट्ठे आ गए, उनको कोई तुरंत बताने वाला या सुनकर ऐसा नहीं है, अखबार तो कोई साथ दे ही नहीं रहे थे, लेकिन उस समय छोटे छोटे सप्ताह में एक बार छपने वाले ऐसे न्यूज लेटर्स की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि देश भर में लोग उसको सही मानते थे। ये सब इस बात का इंडिकेशन है, और उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके सोशियोलॉजिकल कारण, उस आंदोलन में क्या हुआ कैसे हुआ, ये बात अपने आगे के वक्ता भी बताएंगे। मैं तो केवल संक्षेप में उस आंदोलन में हुआ क्या क्यों हुआ पर प्रकाश तो बाकी लोग डालें, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि बहुत पीछे इतिहास में न जाकर हम 72 के बाद जब इंदिरा गांधी जी का कंसोलिडेशन हो गया था अच्छी चुनावी जीत और बांग्लादेश के निर्माण के बाद, तब मेरा अनुमान है कि सत्ता का मद चढ़ गया, कहते हैं ना पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, वो सब होने लगा। उसी में से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर सत्ता केंद्र भी उभरने लगे, श्री संजय गांधी से लिखे लोग। ऐसी स्थिति में, और जनरोष तो वैसे ही था क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुशिक्षा, ये समस्याएं थी ही, आंदोलन डिसेंट्रलाइज चल ही रहे थे। उसी सिलसिले में 74 में बिहार का आंदोलन शुरू हो गया था और जयप्रकाश जी वहां थे। 18 मार्च को गोलियां चल गई थी 74 में ही, उसके अगले दिन ही छात्र नेता जयप्रकाश जी से मिले थे। प्रकाश जी को समझ में आया कि इस आंदोलन में कुछ आवश्यकता है उनके सहयोग करने की, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी।
अब जयप्रकाश जी का नाम आजकल लोग कम जानते होंगे भले ही, और नई पीढ़ी के लोग समझने में दिक्कत पाते होंगे, क्योंकि उस आंदोलन में जो सक्रिय थे उनमें से कई लोग सत्ता में भी, आज भी मैं टीवी में रविशंकर जी को देख रहा था पटना वाले, ऐसे लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, सब उसी की उपज है। तो वो सब भी जब थे वहां आंदोलन में और ये सब समझ में आ रहा था और उस समय जयप्रकाश जी की बात चली थी, तो मैं कह सकता हूं कि आज बाकी की बातें न करें करें, जयप्रकाश जी के बारे में सबसे सटीक टिप्पणी अटल जी की थी, जो जयप्रकाश जी के बारे में चित्र उपस्थित करती है। अटल जी ने कहा कि जयप्रकाश जी की प्रामाणिकता हमें आकृष्ट करती है और उनकी निस्वार्थ देशभक्ति हमें बलिदान की प्रेरणा देती है, और हमने जो उस समय आंदोलन में अनुभव किया था जयप्रकाश जी के बारे में, वो हमेशा पता नहीं कैसे इतने बड़े स्थान पर होने के बाद भी, हम सबके सर्वमान्य नेता होने के बाद भी, हमेशा सीखने की मुद्रा में रहते थे, अपनी राय में सुधार करने के लिए हमेशा वो स्वागतशील रहते थे, यह मेरा अनुभव आया। मैं एक बात केवल बताता हूँ, एक बात उनसे बहस चली आरएसएस के बारे में, जब बहस चली उनका, तुम लोग सांप्रदायिक हो, कहा कि जवाब दो तुम, मेरा प्रश्न है, हाँ बताइए। मैं सबको बता रहा हूँ जी, हेलो जी, कितने प्रचारक हैं? हमने कहा 1,500 होंगे, तो उसमें से मुसलमान कितने हैं? कहा कि नहीं, एक भी नहीं है। तब तो हो गए सांप्रदायिक, तब बहुत मुश्किल होगा इस वक्त कुछ शॉर्ट नोटिस पे, बट आई एम एबल टू हियर हिम ऑल राइट, ऑल लॉट हिम, अगर होगा तो सब ठीक है, नहीं तो डोंट ओके सर। तो मैंने उनसे फिर कहा, I'm just hearing, there's not me, not I'm hearing all. नहीं, अभी पहले से अगर होता तो मैं, चतुर्वेदी जी प्लीज प्लीज अपने जरा माइक बंद कर दें, चतुर्वेदी जी जरा अपना माइक नीचे कर दें, बंद कर दें माइक, बंद है सर, गोविंद जी माइक बंद है, मैंने उनसे पलट कर पूछा कि ये बताइए सर्वोदय के सर्व सेवा संघ में प्रचारक के समान कितने लोग हैं? उनका 650 है। अच्छा, उसमें बताइए मुसलमान कितने हैं? तब उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक तो कहते हो, क्योंकि मुश्किल से मुझे दो नाम याद आ रहे हैं, एक रजी साहब उनको तुम जानते हो, दूसरे हैं अब्दुल हक फातमी साहब, उनके घर भी तुम गए हो, जाते भी हो आजकल, यही दो है। उनका तो क्या हम भी आपको कहना शुरू करें कि नहीं सर्वोदय के सारे लोग सांप्रदायिक, सर्वोदय संगठन सांप्रदायिक है? तो उन्होंने कहा ये तो सोचने की बात तुमने कही है, मैं इस पर सोचूंगा। तो जो मास मूवमेंट होते हैं वो तीन चीजों के परिणाम होते हैं मिलाकर, एक राइपनिंग ऑफ द सिचुएशन, दूसरा मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन्फ्लुएंस द मैसेजिंग सिस्टम ऑफ द मूवमेंट, और तीसरा है क्रेडिबल लीडरशिप। क्रेडिबल लीडरशिप को पूरा किया जयप्रकाश जी ने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया संघ परिवार ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आधार पर कह रहा हूँ, कि इमरजेंसी के दिनों में जब लोग जेल में पकड़े गए थे उसके गजब ही दास्तां है। 75 की 25 जून को ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, रातों रात पुलिस ने छापा मारना शुरू किया, बिना जाने समझे नेताओं को तो पहले पकड़ ही लिया, जयप्रकाश को चंडीगढ़ भेज दिया था, चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरार जी, अडवाणी जी, मधु दंडवते, सभी जेलों में डाल दिए गए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा सामान्य जन को छोड़ा कहाँ, उन पर तो और अत्याचार हुए। और जहां संघ के लोग हैं तो संघ के और कौन कौन छिपे हैं कहाँ बताओ, प्रचारक कहाँ है ये बताओ, इस बात की पूछताछ के लिए ले जाना थाने में, जबरदस्त पिटाई होना। काशी के जवाहर मिश्र पर तो कुत्ते छोड़ दिए थे उन्होंने काट खाने के लिए। रघुवंश होते थे, प्रोफेसर रघुवंश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्राध्यापक थे समाजवादी हिंदी के, वो दोनों हाथ से कुछ काम नहीं कर सकते थे और उन पर आरोप लगाया रेलवे लाइन उखाड़ रहे थे।
पटना में नौबतपुर का तपेश्वर गांधी को पकड़ा, उसने कोर्ट में जाकर कहा कि हुजूर कितना अच्छा होता ये आरोप सही होते और मैं जेल में आ गया होता। क्या क्यों? क्योंकि नौबतपुर में तो रेलवे लाइन है ही नहीं, और रेलवे लाइन बनाइए तब तो हम पकड़े जाए तो हम आते। ऐसी इतनी अनर्गल आरोप लगाए गए। चिपलून का एक उदाहरण था महाराष्ट्र का, लड़के को अंदर कर दिया और जो नारा लगा रहा था इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। सही बातें थी कि वो कार्यकर्ता तो बेचारा मूक था, गूंगा था, वो खुद बोल नहीं सकता था, पर आरोप उस पर ऐसे बेढंगे इस तरह की लगाते गए थे ये लोग। संघ के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष एक तरह से व्यवस्था प्रमुख पांडुरंग पंत क्षीरसागर, उनको जेल में डाला, हार्ट अटैक हुआ उनको, इलाज नहीं मिला, मर गए जेल में ही, कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय में जब जेल में लोग 25 जून को पकड़कर ले जाए गए, बंद कर गए, दिल्ली का ही आप देखिए, ओम प्रकाश कोहली जी बाद में गवर्नर भी बने, कोहली जी के उसी पैर में जोरदार पुलिस ने लाठियां मारी जो पैर ऑलरेडी उनका कमजोर था, लेकिन वो सहते गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के 185 अध्यापकों को बेकसूर, किसी संगठन से परिचय नहीं, कुछ नहीं, केवल हमारे कार्यकर्ता की संपर्क सूची में जिनसे संपर्क किया जाना है उनका नाम था, सबको अंदर कर दिया। भोपाल में सूर्यकांत केलकर के पास संपर्क करने वालों की सूची थी, उसी में शिवराज भी पकड़े गए, छोटे से उम्र के थे वो उस समय। तो ऐसी इतनी घटनाएं घटी इस अंधेर गर्दी के समय में भी अगर कोई डट कर रह सका, जमीन पकड़ कर रह सका, तो उसमें बिहार आंदोलन के अनुभव से युक्त देश भर जो संघ का नेटवर्क था वो रह पाए। उन्होंने अपने लिए वैकल्पिक तुरंत नाम तय किए, उन्होंने वैकल्पिक स्थान तय किए, तुरंत कार्यालय खाली किया, सूचियां इधर उधर कार्यकर्ताओं के घर में की, गुरुदक्षिणा की सूची अलग कर दी, थोड़ा पैसा बचा था वर्ष भर के खर्चे होने के लिए जितना, वो भी पूरा हो चुका था, वो भी पैसे बैंक से निकाले। अब सबसे पहली बात है कितने लोग पकड़े गए ये तो पता करें, और जेल में जाकर पता करना था जेल में कैसे जाते। तो राष्ट्र सेविका समिति की कार्यकर्ता, स्वयं सेवकों के घरों की महिलाएं और विद्यार्थी परिषद की लड़कियां, ये लोग जेल में जाकर पता किए, तो उसमें से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि जेल में जितने लोग बंद हैं, 65,000 लोग बंद थे उस समय, उसमें 70% संघ परिवार के लोग थे। ये तथ्य उस समय में समझ में आया था, और ये संघ के लोग ही कर सके, जिसमें अन्य संगठनों के बारे में भी पता करके हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई थी। तो समस्या शुरू हो गई, जो मीसा में पीड़ित है उन मीसा में बंद कर दिए गए हैं, अनिश्चितकाल के लिए बंद है, पता नहीं कब छूटेंगे, अकेला ब्रेड विनर है, घर में कुछ तो चले, रोजगार बंद है, दुकान बंद है, कार्यालय सील्ड है। तो बहुत बड़ा काम था उस समय में मीसा पीड़ितों के परिवारों को राहत देने का काम उस समय में, लेकिन किया पूरा। और तब तक अगस्त महीना आ गया तो देश भर में प्रवास हो जाए, तो शेषाद्री जी होंगे संघ के, भाऊराव देवरस होंगे, सब लोग प्रवास ठीक हो कि सरसंघ चालक बाला साहब देवरस तो गिरफ्तार होकर पूना के पास नर्मदा जेल में डाल दिए गए थे। अब ये चलता गया जब आपातकाल का दौर, उसमें भी कार्यकर्ताओं ने ना मनोबल खोया और ना अपना विट एंड ह्यूमर ही खोया। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, 2 अक्टूबर के लिए गांधी जी के नाम से एक पोस्टर निकाला गया लोक संघर्ष समिति की ओर से, अन्याय के सामने झुकना कायरता है, यही उसमें वर्डिंग थी। अब हमारे साथी अशोक कुमार सिंह, श्याम जी सहाय, कई लोग पोस्टर बगल में दबाए, लेई बनाकर गोंद के नाते से ले गए और ट्रेन से उतरे तो बख्तियारपुर जो नीतीश कुमार का स्थान है उसी गांव के पास सामने स्टेशन के पास थाना था, थाने में घुस गए, कहा कि आज 2 अक्टूबर आपको मालूम है कि नहीं, कहा हाँ हाँ क्या क्या बात है, कहा देखो पोस्टर चिपकाना है ना, सरकार ने भेजा है, पोस्टर चिपकाओ सब। थाने में अंदर पोस्टर चिपकाने में पुलिस वाले स्वयं लग गए और ये लोग अगली ट्रेन पकड़कर तुरंत ही स्टेशन पर आए थे, ट्रेन आगे पकड़कर आगे चले गए। ऐसे 4 स्टेशनों पर उन्होंने पोस्टर चिपकाए, उस समय में भी विट एंड ह्यूमर का ये आलम उनका रहा है। अब आगे तय हो गया था सत्याग्रह करेंगे,
14 नवंबर से 26 जनवरी तक प्रति सप्ताह 10 लोग, उसमें कितने पुलिस ने लाठियां चलाई और माथे फोड़े होता अलग है। मैं केवल एक घटना बताता हूँ, वो है केरल की। तय होता था कि सप्ताह के ये 10 स्वयं सेवक सत्याग्रह करेंगे, पुलिस उन 10 में से किसी एक को भी छोड़े बगैर सबका सिर फोड़ती थी। उनका सिर फूट रहा है कि अगले जत्थे में आने वाले सत्याग्रही बगल में खड़े होकर देखते थे भारत माता की जय नारे लगाते हुए, और अगले सप्ताह में वे खुद आनाकानी नहीं करके खुद पहुंचते थे उस सत्याग्रह में, उनके भी माथे फूटते थे। उस सारे दृश्य को देख करके कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता एके गोपालन, उनकी टिप्पणी थी कि अब मैं पहली बार रियलाइज किया हूं केवल भूख ही ऐसी नहीं है जो लोगों को बलिदान की प्रेरणा दे, भूख के अलावा भी कुछ और भी बातें हो सकती हैं। इसका मैंने केरल में आरएसएस के लोगों के सत्याग्रह से मैंने सीखा है। ऐसा होते होते 1995 बीता, 96 के समय में अब समझ में आया कि अब आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो 96 के समय में दो बड़े वीर पुरुष काम कर रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस एक अहिंसक क्रांति की तरफ से कोशिश कर रहे थे, उससे ज्यादा प्रभावी दुनिया भर में इस असंतोष को फैलाने के लिए जो काम कर रहे थे बहादुर के नाते, वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे। सुभाष चंद्र बोस की तरह से वो संसद में आकर निकल भी गए, कोई पुलिस भारत की पकड़ नहीं पाई उनको। वो पहुंच गए दुनिया में, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल बना करके, एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोगों से बात करके, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों से बात करके, वह दुनिया भर में वातावरण बनाना शुरू किया कि भारत में लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र का दमन करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करके जो सत्ता आई है, इसके लिए आप लोग इसका सहयोग मत करिए। और सच में वो सारे प्रेशर का ही परिणाम हुआ कि इंदिरा जी को लगा कि अपने डिक्टेटरशिप की लेजिटिमेसी के लिए मैं चुनाव करवा दूं। उन्होंने 76 के अंत में, जबकि एक साल डिले हो गया चुनाव, 76 के अंत में उन्होंने चुनाव में जाने की बात कही। उनको उनके नौकरशाहों ने जो भी उनको रोजी पिक्चर दिया होगा उस कारण उन्होंने ऐसा किया। और उस चुनाव के समय विपक्षी दल भी हतबल थे कि क्या करेंगे, जेलों में बंद थे उनके नेता, धीरे धीरे कुछ लोग छोड़े गए, सामान्य कार्यकर्ता सब लगे थे। तो संघ के लोगों ने उस समय में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है इलेक्शन की दृष्टि से, वो सारा काम उन्होंने संभाला था। और ये होते हुए जब रिपोर्ट आ गई थी आईबी की ओर से, बड़ी अनुकूल रिपोर्ट थी इंदिरा जी को, यहाँ चुनाव वो जीत जाएंगी, अब आयन समय पर चुनाव में जो बना और उसमें परिणाम जो आया है वो स्पष्ट ही था कि इंदिरा जी ने अंत में फरवरी में ऑफर दिया संघ के लोगों को, मोरोपंत पिंगले जी, एकनाथ जी रानडे का संदेश जो इंदिरा जी का संदेश था लेकर बाला साहब देवरस से मिले, ऑफर ये था आप चुनाव से हट जाए आरएसएस के लोग, चुनाव खत्म होने के बाद इंदिरा जी संघ पर से बैन हटा देंगी। लेकिन बाला साहब ने जो उत्तर दिया वो विशेष है। बाला साहब ने उत्तर दिया कि देखो, मैं अपने दोस्तों को मझधार में छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं, मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। अब जो भी बातचीत होगी चुनाव के बाद हम लोग बात करेंगे, जबकि बाला साहब को यह अनुमान नहीं था कि चुनाव जीतेंगे। ये शुद्ध नैतिकता का सवाल था, संकट के साथियों के साथ गद्दारी नहीं करना, और वो साथ ही रहे। और जो परिणाम आए हैं उस परिणाम का तो इतना कौतुक हुआ, उस समय तो हमको याद है चुनाव परिणाम जब आ रहे थे पटना में तो जनज्वार उमड़ा हुआ था जनसंघ कार्यालय के पास। वैसा जनज्वार हमने उसके पहले और बाद में कभी नहीं देखा है जनता का, पूरा पटना शहर सड़क पर था, इतना ज्यादा समर्थन था। आपको मालूम ही है कि पूरे उधर अमृतसर से लेकर के इधर कटक तक एक भी सीट नहीं ले पाई थी, एक मध्य प्रदेश की सीट मिली थी कांग्रेस को, शेष सब जनता पार्टी को मिल पाई थी। इसलिए उसका पूरा अंत तो होने के बाद, फिर मैं बताऊंगा, 24 मार्च को ही संघ पर से प्रतिबंध हटा, तो संघ के प्रांत संघ चालक और हम गए थे जयप्रकाश जी से मिलने। उनको मोतीचूर का लड्डू दिया था खाने के लिए, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी उन्होंने मांग कर लिया कि हमको भी दो, ठीक से दो,
पूरा खाया उन्होंने, और वो जो संतोष उन्होंने व्यक्त किया कि संघर्ष की परिणति यहाँ तक पहुँच गई है, और इसका जो महत्व है, वो सब बातें आपको हमारे अगले वक्ता इसकी पृष्ठभूमि, इसके परिणाम, इसके पहलू और इसके आगे के लिए संदेश, आगे के लिए रेलिवेंट क्या क्या बातें हम ध्यान में रखें, इस सब बातों पर अगले दो वक्ता हैं वो प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंदाचार्य जी, आपने अपने अनुभव बताए, और कई लोग और खासकर नई पीढ़ी के लोग उनको उन दिनों का परिचय दिया, एक झलक दी। अब मैं आई विल नाउ इनवाइट श्री